गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैंने पहले आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया था पहले वीडियो में, आज मैं आप लोगों को संज्ञा से संबंधित अभ्यास कार्य कराऊंगी। मैंने पहले वीडियो में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भेदों के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं संज्ञा से संबंधित अभ्यास कार्य कराऊंगी। मैंने आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से कुछ होमवर्क भी दिया था, तो आइए आज इस वीडियो में उस होमवर्क का उत्तर जानें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञाएं भरिए। क, हम में डैश का होना अति आवश्यक है, ये वाक्य है। इसके लिए यहाँ देखिए कोष्ठक में शिष्ट लिखा हुआ है, तो शिष्ट से भाववाचक संज्ञा बनेगा शिष्टाचार। हम में शिष्टाचार का भाव होना अति आवश्यक है। ख, मुझे अपना डैश नहीं भूलता, यहाँ कोष्ठक में लिखा हुआ है बच्चा, तो बच्चा का भाववाचक संज्ञा होता है बचपन। मुझे अपना बचपन नहीं भूलता। ग, हवाई जहाज की डैश देख मैं आश्चर्यचकित रह गया, यहाँ देखिए कोष्ठक में क्या ऑप्शन है, उड़ना, उड़ना का भाववाचक संज्ञा होगा उड़ान। हवाई जहाज की उड़ान देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। घ, खेतों में डैश का काम चल रहा है, यहाँ देखिए कोष्ठक में शब्द है काटना, काटना का भाववाचक संज्ञा होगा कटाई। खेतों में कटाई का काम चल रहा है। अंग, सभी में कोई ना कोई डैश अवश्य होती है, यहाँ देखिए कोष्ठक में ऑप्शन है अच्छा, अच्छा का भाववाचक संज्ञा होगा अच्छाई। तो सभी में कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। तो आपने देखा नंबर वन में होगा शिष्टाचार, नंबर टू में बचपन, नंबर थ्री में उड़ान, नंबर फोर में कटाई, नंबर फाइव में अच्छाई। तो ये तो मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए और भी अभ्यास कार्य हैं, यह मैं बता रही हूँ, साथ में लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे, आप देख करके अपनी पुस्तक में इसको भर लेंगे या फिल करेंगे। चलिए नंबर थ्री, निम्नलिखित में कुछ भाववाचक शब्द जातिवाचक संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। यहाँ देखिए एक गुलाबी रंग का बॉक्स है, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, पांडित्य, बुढ़ापा, चढ़ाई, घबराहट, बहाल, बालपन, हंसी, दौड़, मित्रता, देवत्व, लड़ाई, मजदूरी। यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ है, क्रिया से बने भाववाचक शब्द और जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक शब्द। आप सबको पता है क्रिया मतलब जिस संज्ञा से किसी काम के करने या होने का बोध हो। तो इस यहाँ जो बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो जो भी कार्य किया जाता है अगर वो शब्द है तो वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो जातिवाचक संज्ञा है आपने पढ़ा है, जिस शब्द से प्राणियों वस्तुओं के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वो जो जातिवाचक शब्द होंगे उसको हम यहाँ फिल करेंगे यानी कि लिखेंगे। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं क्रिया से बने भाववाचक शब्द। हंसी, यहाँ लिखेंगे नंबर वन में लिखेंगे हंसी, नंबर टू में लिखेंगे दौड़ क्योंकि ये सब काम हो रहा है, नंबर थ्री में लिखेंगे चढ़ाई, नंबर फोर में लिखेंगे लड़ाई, फाइव में लिखेंगे मजदूरी, सिक्स में लिखेंगे घबराहट। ये क्रिया से बने हुए भाववाचक शब्द हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा से बने
भाववाचक शब्द। ये पंडित से होता है पंडित्य, बूढ़ा से होता है भाववाचक बुढ़ापा, मित्र से होता है भाववाचक मित्रता, बालक से होता है बालपन, देव से होता है देवत्व, ठीक है, और ये है बहाल। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बने हैं और ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बने हैं। ठीक, अब ये नीचे देखते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से सही के सामने सही का निशान तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। ख, जिन संज्ञाओं से द्रव्य धातु तथा पदार्थ का बोध होता है वे समुदाय वाचक संज्ञाएं होती हैं। आप सबने पहले पढ़ा था, मैंने बताया भी था, जिन संज्ञाओं से द्रव्य धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे समुदाय वाचक संज्ञा नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये वाक्य गलत है। ग, संज्ञा के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, ये भी गलत है। घ, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनती। सही उत्तर होता है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जब यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये वाक्य गलत होगा। कोमल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये सही है क्या बेटा? नहीं, ये गलत है। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे गलत है, तो कोमल मुलायम को कहते हैं, वो हम अनुभव करते हैं, उसको छूते हैं तो देखते नहीं हैं, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि कोमल नाम होता है तो यहाँ नाम से संबंधित नहीं है, यहाँ भाव से अनुभव से है, तो कोमल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये गलत है। अब नीचे आइए, नंबर 5 में देखते हैं। नीचे टोकरी में लिखे शब्दों में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द चुनकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ देखिए एक टोकरी दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है कुछ शब्द जो मैं पढ़ रही हूँ, भारत, शेर, हिमालय, यमुना, पेड़, गंगा, अध्यापक, लड़की, रामायण, किताब। अब हमें इस टोकरी में से जितने भी शब्द हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामने व्यक्तिवाचक वाले शब्द लिखने हैं और जातिवाचक संज्ञा के सामने जातिवाचक शब्द को लिखना है। अब देखिए व्यक्तिवाचक, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ है भारत, देश बहुत सारे होते हैं लेकिन एक विशेष देश का नाम है भारत, तो भारत व्यक्तिवाचक होगा, भारत। दूसरा देखिए हिमालय, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, तो यहाँ लिखेंगे हिमालय। अब आते हैं नंबर 3 में, यमुना, यमुना भी एक विशेष नदी का नाम है जो यहाँ लिखा हुआ है, यमुना। अब देखिए गंगा, गंगा भी नदी का नाम है तो यहाँ हम लिखेंगे गंगा। आगे देखिए यहाँ एक ग्रंथ का नाम है रामायण, रामायण, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। दूसरे बॉक्स में आएंगे जातिवाचक, जातिवाचक में लिखेंगे शेर, शेर। फिर दूसरा होगा पेड़, इसके बाद अध्यापक, अध या प क अध्यापक, इसके बाद लड़की,
किताब, की ता ब। तो आपने देखा जो व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम है उसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा, और जो जातिवाचक संज्ञा है उसे मैंने जातिवाचक संज्ञा में लिखा है। आइए आगे देखते हैं नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। शत्रु, इससे बनेगा शत्रुता। ख, अपना, अपनापन या अपनत्व। ग, पशु, ये पशुता। घ, लिखना से लिखाई। ग, बालक से बालपन। छ, पढ़ना से पढ़ाई। छ, खट्टा से खटास। ज, लंबा से लंबाई। झ, मोटा से मोटापा। य, चौड़ा से चौड़ाई। ज, लंबा से लंबाई। तभी आपने देखा निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हुए। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए नीचे लिखा अनुच्छेद पढ़िए और उसमें आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। मैं यहाँ एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ, इसमें कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, उसे रेखांकित करेंगे। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी रीमा के साथ जंगल में पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। इस पूरे वाक्य में मित्र, पत्नी, रीमा, जंगल, पेड़, ये संज्ञा शब्द हैं। बात करते करते पत्नी सो गई, वह उपन्यास पढ़ने लगे। यहाँ पत्नी और उपन्यास, ये दो संज्ञा हैं। अचानक उन्होंने एक भेड़िया को देखा, यहाँ भेड़िया संज्ञा है। उन्हें लगा कि भेड़िया उन्हीं की तरफ चला आ रहा है। भेड़िया, वे भागे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिले। बंदूकधारी सज्जन, वे उनके पैरों पर गिर पड़े। पैरों, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है। पत्नी और भेड़िया, वे गिड़गिड़ाए। शिकारी उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी सो रही थी और भेड़िया टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। इसमें शिकारी, पेड़, पत्नी, भेड़िया, टोकरी और पूरियां, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि आप सबको संज्ञा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। आज तक के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।